मेरे सहयोगी सुमित भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आप कुछ पूछना चाहेंगे अपने न्यायालय से? जी मिश्र बाबू, जो सवाल मेरा है वो ये कि इन्फोसिस ने करीब करीब 25-25.5% के आसपास के मार्जिन दिए थे, क्रॉस करेंसी हेडविंड से 2-2.5% के आसपास का जो मार्जिन पे में थे उसमें रुपी डॉलर की वजह से 2-2.5% का एक इम्प्रूवमेंट आया था। आपको लगता है टीसीएस को भी इसी तरह का बेनिफिट मिला होगा इस क्वार्टर के अंदर? Yeah, margins, TCS should have also got the same currency benefit, but that still is not reflected in the margins. So we need to see the breakup of the margins, why the margins have fallen. Because the margin drop is very high, I mean, if that is the case, then there is a risk for earnings for next year. जी मिस्टर बाबू, 15-15.5% का एट्रिशन रेट टीसीएस ने इस बारी पोस्ट किया है, 15.9% का एट्रिशन रेट पिछले क्वार्टर में था, एट्रिशन रेट में लगातार स्लाइड डाउन है। इन्फोसिस के केस में भी एक बेनिफिशियरी था और टीसीएस के केस में भी बेनिफिशियरी है। गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि ये बेनिफिट पूरे आईटी स्पेस के ऊपर इम्पैक्ट आता दिखाई पड़ेगा इसका? नहीं, एट्रिशन इज नॉट अ वेरी बिग फैक्टर, अभी थोड़ा ऑटोमेशन और सबसे फोकस हो रहा है, सो नेट हायरिंग एनीवेज इज अ बिट स्लोइंग डाउन, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एट्रिशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर एटलीस्ट कंपनीज लाइक टीसीएस एंड इंफोसिस। अभी टीसीएस में वी हैव टू गेट इनटू द ग्रैनुलैरिटी इन द मार्जिन पिक्चर और अगला साल का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या बोलेगा उस पर देखना पड़ेगा। ओके नितिन, Q1 के अंदर अब कंपनियों का जो वेज हाइक है वो आता है, तो हो सकता है उसका एक इम्पैक्ट कंपनियों के मार्जिन के ऊपर भी आता हुआ दिखाई पड़े। हाउ गोइंग फॉरवर्ड कितना बड़ा कंसर्न आप देख रहे हैं Q1 में अगर वेज हाइक होता है तो? बिकॉज इफ मार्जिन एग्जिट रेट इज वीक लाइक दिस, देन Q1 अगेन वेज हाइक आएगा, वीसा कॉस्ट आएगा, तो नेट नेट अगर मार्जिन एजम्पशन कट करेगा तो अर्निंग्स पे ट्रिम करना पड़ेगा, उसके वजह से पीई मल्टीपल्स भी इम्पैक्ट होता स्टॉक का। ओके इसके अलावा यूटिलाइजेशन स्पेस में भी लगभग नितिन करीब करीब 80-85% के आसपास का यूटिलाइजेशन फिलहाल इन्फोसिस के केस में भी है और टीसीएस के केस में भी है, मतलब कितना बेहतर ये यूटिलाइजेशन लेवल आप देख रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ऑलरेडी टीसीएस के केस में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है आज के नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज के बाद, आपको लगता है अगली बार जब बाजार खुलेगा तो एक अच्छी परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ेगी? टीसीएस माइट नॉट रैली, मार्जिन का अभी नंबर इज बिलो एस्टिमेट, तो ये मार्जिन का डिटेल व्हाट वी हैव टू लुक इनटू। Stock is already fairly valued, so if margin is below estimate, stock might not see a good rally. It might be stable kind of. Okay. साथ ही साथ प्राइसिंग को लेकर मिस्टर बाबू, जैसे कि कंसर्न भी था मार्केट्स में कि हो सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है तो गोइंग फॉरवर्ड प्राइसिंग को लेकर भी कुछ एक कंसर्न बनता हुआ दिखाई पड़े, आपको लगता है एज ऑफ नाउ तो टीसीएस के नंबर्स के अंदर प्राइसिंग का कोई कंसर्न दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड कंसर्न रह सकता है कंपनी के लिए? Pricing has been aggressive. Infosys is काफी aggressive pricing में, so that is already visible in the numbers. But next year का dollar revenue growth guidance from TCS is a key, because INFI का guidance काफी अच्छा है, तो TCS also should guide to beat the industry growth. That is one thing which the market is watching out. ओके सुमित, इस वक्त हमारे साथ दीपेन शेठ भी जुड़ चुके हैं, हेड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एचडीएफसी सिक्योरिटीज के। मिस्टर शेठ, टीसीएस के रिजल्ट्स कैसे लग रहे हैं? प्राइम एफएसी 5.5% का मुनाफा, 6400 करोड़ के आसपास की आय मुनाफा। देखिए, इसमें इस क्वार्टर में क्या हुआ है इस पर ज़्यादा स्लाइसिंग डाइसिंग करना रेलेवेंट नहीं लगता है, मोर और लेस इन लाइन क्वार्टर है, थोड़ी सी मार्जिन में ड्रॉप आया है तो हम लोग अब वो छोटे छोटे कैलकुलेशंस करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से देखना कि टीसीएस बड़ा क्या कर सकता है, $18 बिलियन की कंपनी ऑलरेडी हो गई है, तो यहाँ से फास्टर देन सिस्टम ग्रो करना इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और लास्ट 4-5 क्वार्टर से जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस की जो ग्रोथ पर थी उनको फुलफिल नहीं कर पा रही है कंपनी। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, लेकिन अब इतनी बड़ी हो गई है कि यहाँ से आउट परफॉर्मेंस लाना इसमें बहुत मुश्किल लग रहा है। मिस्टर शेठ, लेकिन पहले इन्फोसिस और अब टीसीएस के अच्छे नतीजों के बाद क्या पूरे आईटी पैक से उम्मीदें बढ़ती हुई? तो सेक्टर तो बढ़िया रहेगा, जो हेडलाइन फियर था कि डिजिटाइजेशन की वजह से इनके बिजनेस पर आँच आएगी, तो जितनी बड़ी कंपनीज हैं सब धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का प्रोसेस चालू कर चुकी हैं। इन्फोसिस के अपने भी प्रॉब्लम्स थे इसलिए वो थोड़ा पीछे लग रहा था और कुछ समय तक अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन सिक्का साहब की लीडरशिप में वापस उसको आप कह सकते हैं क्रिकेटिंग पार्लेंस में कि वापस फॉर्म में आ गई है कंपनी। तो टीसीएस ने ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो हमें लगता है कि सेक्टर यहाँ से हेल्दी रहेगा। थोड़ी सी करेंसी के जो फियर्स हैं वो भी ज़्यादा उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा कि किस कंपनी से ग्रोथ गाइडेंस क्या आती है और डिजिटल रेवेन्यूज कौन सबसे ज्यादा ग्रो कर सकता है, इसके बेसिस पर विनर्स डिसाइड होंगे। सर, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक बड़ी कंपनी बन चुकी है टीसीएस, काफी बड़ी कंपनी बन चुकी है, तो निवेशकों के लिए यहां से क्या सलाह निकलती है सर? वो चाहे वो जो मार्केट खुलेगा परसों, उसके बाद ट्रेडर्स के लिए, निवेशकों के लिए क्या आप सलाह देते हैं यहां पर, बड़ी आईटी कंपनियां या छोटी आईटी कंपनियां?
तो इसका कोई सिंगल कैच ऑल जवाब नहीं है हमारे पास. बड़ी कंपनियों में भी डेल्टा बहुत बड़ा मिल सकता है, जैसा कि इन्फोसिस में मिल चुका है कुछ हद तक, और यहाँ से भी मिलेगा. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्फोसिस और एचसीएल टेक हमारे प्रिफर्ड पिक्स हैं, जहाँ पर हमें लगता है कि सिग्निफिकेंट, मतलब बाकी की बड़ी कंपनियों से ज़्यादा रिटर्न्स आ सकते हैं. टीसीएस में कोई बुराई नहीं है, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी तरह से इन्फीरियर कंपनी है या इन्फीरियर स्टॉक है इन्फोसिस से, लेकिन यहाँ से आउटसाइज मुनाफा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है जी. और मिड कैप्स में खास करके अगर आप देखेंगे तो जहाँ नॉन लिनियरिटी है, मेजेस्को है, परसिस्टेंट है, माइंट्री है जो डिजिटल रेवेन्यूज बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, तो हमारी प्रेफरेंसेस वहां पर लाइक जी. मिस्टर शेट, जो कमिंग बैक टू द नंबर्स, जो आंकड़े आए हैं उसमें मार्जिन के हिसाब से करीब करीब 26.9% के आसपास के मार्जिन का अनुमान था बाजार में, 26.5% का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है मार्जिन पर. कितना बेहतर या कितना डिविएशन है आपके अनुमान से, और आपको लगता है जो क्रॉस करेंसी का उतना बेनिफिट आ सकता था वो शायद आया नहीं है? नहीं, बल्कि TCS को ऑलवेज क्रॉस करेंसी में बेनिफिट नहीं बल्कि नुकसान होना चाहिए, क्योंकि TCS का ओवरवेलमिंग जो एक्सपोजर है वो US की तरफ नहीं है, 60% से कम है. तो मेरे हिसाब से जब दूसरी करेंसीज डिप्रिशिएट करती हैं US डॉलर के सामने, तो TCS के लिए डिसएडवांटेज होती है, उतनी बड़ी डिसएडवांटेज दूसरी कंपनियों में नहीं होती है. तो इस बार मेरे ख्याल से उसकी वजह से मार्जिन पर थोड़ा सा ज़रूर असर पड़ा होगा. ओके सर, साथ ही साथ जो कंपनी के बिजनेस के अगर ब्रेकअप को देखें तो कंपनी के जो BFSI कारोबार है वहाँ पर ग्रोथ आई है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिली है, सिक्वेंशियली रिटेल बिजनेस भी अच्छा करके गया और टेलीकॉम कारोबार के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है. हालांकि जो मार्जिन हैं वो थोड़े से वीक पड़े हैं BFSI कारोबार के. आप कितना बड़ा कंसर्न देख रहे हैं? इन्फोसिस के केस में भी BFSI कारोबार के अंदर कुछ दबाव देखने को मिला था. मिस्टर शेट, या सॉरी जी सर, BFSI कारोबार के मार्जिन थोड़े से श्रिंक हुए हैं, सेम इन्फोसिस के केस में भी वहां पर भी मार्जिन थोड़े श्रिंक होते हुए दिखाई पड़े थे. कितना कंसर्न है कंपनियों के लिए BFSI कारोबार के मार्जिन का वीक होना? देखिए, BFSI सेक्टर ग्लोबली अभी थोड़ी सी हेडविंड्स फेस कर रहा है और काफ़ी समय से ये हेडविंड्स फेस कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो सारे IT सर्विसेज सेक्टर के लिए ये सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट वर्टिकल रहा है फॉर मोस्ट कंपनीज. तो हमें लगता है कि यहाँ पर खास करके जो कंपनीज ज़्यादा इनोवेशन दिखाएंगी और ज़्यादा नॉन लिनियरिटी बिजनेस में ला सकेंगी, जिसको विशाल जी कहते हैं, इन्फोसिस के विशाल सिक्का साहब कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग अगर ला सकते हैं, ऑटोमेशन ला सकते हैं, AI ला सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो कंपनियां दिखाएंगी वो आगे को जाकर इसकी मार्जिन प्रेशर से बच पाएंगी. ओके सर, अगर क्योंकि अगले कारोबारी सत्र की बात करें तो आपका क्या अनुमान है? TCS जिस तरह की नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज हैं, इन न्यूज़ फ्लोज के बीच में अब ये रिजल्ट्स कितना रिस्पाइट देंगे, किस तरह की ओपनिंग हो सकती है TCS की? दूसरा, इन्फोसिस TCS दोनों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, अगर अब पैसा लगाना हो तो क्या ज़्यादा बेहतर है, इन्फोसिस की TCS? देखिए, रिजल्ट की बेसिस पर पैसा लगाना अनुचित बात है. हमारा अनुभव ये कहता है कि किसी के नंबर्स अनाउंस होते हैं और उसके बेसिस पर थोड़े से शॉर्ट टर्म सेंटिमेंटल वाइब्रेशंस होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों कंपनीज फ्यूचर के बारे में क्या गाइड करती हैं. तो इन्फोसिस ने फॉरवर्ड गाइडेंस बहुत स्ट्रांग दिया है, इन्फोसिस बड़ी कंजर्वेटिव कंपनी है, तो वो 12-14% की रेंज का जो गाइडेंस दे रहे हैं वो सिस्टम ग्रोथ से ज़्यादा की दे रहे हैं. TCS क्वार्टरली अभी 4.5-4.5 बिलियन डॉलर की रेट पर आ गया, 17-18 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू करेगा, तो यहाँ पर उसको सिस्टम से ज़्यादा गाइडेंस देना इसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, मुझे मुश्किल लगता है जी. चलिए, इस बीच TCS की मैनेजमेंट कुछ कह रही है, वो भी आपको सुनवाते हैं. ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस वाज अबाउट 3.8% एंड द ऑपरेटिंग मार्जिन वाज अ 26.1%. द की हाइलाइट्स ऑफ दिस ग्रोथ इज three important segments came in very strongly. From a industry perspective, BFSI came at a CC growth of 3.2% on a sequential basis. And from a market perspective, both North America and Continental Europe did very well. North America did 2.4% and Continental Europe around 3.5%. And our digital revenues continued to do extremely well, and it contributed to 15.5% of the overall revenues.
There have been very good client additions in all the revenue bands. On a sequential quarter basis, we added 3 more clients in the 100 million band, 8 more clients in the 50 million band, and 17 more clients in the 10 million band. Had one of a strong gross additions in terms of employees, 22,576 associates, and finished the year at 353,843. Our annual wage hikes have been announced. At the higher end, people will get around 12%. And on average, they'll get about 8%. Moving on to annual performance, we crossed trillion rupees, 108,646 crore, a year-on-year growth of about 14.8%. On the CC terms, about 11.9%. Our net income increased to 24,215 crore. Our operating margin for the year stayed in the band at 26.5%. Our India market revenue crosses $1 billion in the quarter, and digital revenues for the year at $2.3 billion, over 52% up on a constant currency basis year on year. Our growth on an annual basis was very strong in BFS, 14.8% on a year-on-year basis on CC terms. Life sciences 20.6%, travel, transportation and hospitality 17%, and manufacturing 15%. Very strong client addition, 100 million clients, we added 8 for the year, and 20 million clients, we added 11 for the year, and 10 million, about 37 additional clients. Again, highest ever gross addition for the year, and our training target of digital skills based on our digital learning platform, we had a target of 100,000 for the year, is well over the 120,000 people over a very, very large number of competencies and around 400 different technologies. So I think we are exiting the year with a very good momentum in BFS, continental Europe and US and some of the other sectors. And one other thing that I want to cover is about the court case where the jury verdict went against us. And we have given a detailed press release and the matter is with the court, so I won't be able to answer any question with regard to that. So we will talk about that as an... चलो तो आप सुन रहे थे टीसीएस की मैनेजमेंट को. हमारे साथ तीन जानकार मौजूद हैं. नितिन डागा मौजूद हैं. नितिन, आपका क्या व्यू है मार्केट, जिस तरह के नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद अब टीसीएस की ओपनिंग कैसी होगी, और अगर आपको कंपेयर करना है, फिर अगर आपको पिक करना हो तो आप फ्रंट लाइन के साथ जाएंगे या फिर मिड कैप में कोई आईटी कंपनी के साथ आप जाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं करेंसी की वॉलेटिलिटी जिस तरह की है और कमोडिटी मार्केट में जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, मैं फ्रंट लाइन आईटी को ज्यादा प्रेफर करूंगा यहां पे. और देखते हुए कि रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं इंफोसिस और टीसीएस दोनों के, और विप्रो और एच सी एस भी अच्छे रिजल्ट पेश करने की उम्मीद है, तो मैं यही कहूँगा कि जो बेटर रिजल्ट प्ले करेगा, जैसे टीसीएस में अच्छे रिजल्ट, मैं फ्रंट लाइन के साथ जाने की सलाह दूंगा. जी चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए. मिस्टर बाबू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. शेठ, आपसे मिस्टर शेठ, आपसे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, मैंने अपने नंबर से बातचीत करने के लिए. इसके अलावा आंकड़े आप देख रहे थे, टीसीएस के अच्छे नंबर्स आए हैं, अनुमान से बेहतर नंबर्स देखने को मिले हैं. तो हो सकता है, एक जानकार भी मान रहे हैं कि शुरुआती दौर में टीसीएस में जिस तरह गिरावट आज देखने को मिली है, या फिर सेकंड हाफ में जो रिकवरी थी, वो शायद कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़े और तेजी के साथ ही टीसीएस कामकाज करें. हमारे इस खास पेशकश में यहीं से बैठते हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा.